अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूडीज बाय फिल्स। आज मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ चने का पुलाव। ये इसके लिए मैंने चने ले ली हैं, ये ऑलरेडी बॉयल चने हैं। ओके, और इसके साथ ये यहाँ पे मेरी प्याज जो है वो लाल हो रही है। प्याज को हमने थोड़ा हल्का सा फ्राई करना है, इसको थोड़ा गोल्डन ब्राउन करना है। ओके, अच्छा, जब तक जो मेरी प्याज जो है वो गोल्डन ब्राउन हो रही है, तब तक मैंने ले लिए हैं ये 3 टमाटर ले लिए हैं, ठीक है, मीडियम साइज़ के। इसको मैं चॉप करके रख लेती हूँ, फिर ये मैं उसके अंदर प्याज के अंदर ऐड कर दूँगी। ओके, ये प्याज मेरी हो रही है गोल्डन ब्राउन, अभी सही से हुई नहीं है, होने वाली है, थोड़ी देर वेट करूँगी मैं। और तब तक जो है मैंने ये टमाटर जो थे मैंने इनको चॉप करके रख लिया, सही है। अब जैसे ही ये प्याज जो है थोड़ी सी गोल्डन ब्राउन हो जाएगी तो मैं ये टमाटर जो है इसके अंदर ऐड कर दूँगी, इसको भी थोड़ा सा और गोल्डन करना है, फिर उसके बाद मैं इसमें टमाटर ऐड करूँगी। चने का पुलाव बहुत अच्छा बनता है, बहुत मज़े का बनता है, बहुत से घरों में बहुत शौक से खाया जाता है, मेरे घर में ये बहुत शौक से खाया जाता है। मैं थोड़ा स्पाइसी ही बनाऊंगा। अभी देखें थोड़ी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब मैं इसके अंदर टमाटर ऐड करने लगी। मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर बटर, ऐड करके अब मैं इसकी थोड़ी भुनाई करूंगी, थोड़ी सी तेज आंच पर इसको अच्छे से भूनना है। फिर जब थोड़ा भुन जाएगा फिर इसके बाद इसमें मैं सारे मसाले ऐड करूंगी। ये देखिए ये हमारा ये भुनना शुरू हो गया, जितनी देर में ये भुन रहा है मैं तब तक साथ साथ ऐड कर रही हूँ उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट। लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद उसको टमाटर को थोड़ा अच्छे से आप तोड़ लें ताकि जरा सा ये अच्छा घुल जाए। ये घुलेगा टमाटर अच्छा तो फिर इसका मसाला जो है वो थोड़ा अच्छा बनेगा। ये भून रहे थोड़ा सा, मैं लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा मैं और ऐड कर रही हूँ। टमाटर को साथ साथ तोड़ते जाए ताकि ये भून जाए, मसाला अच्छा बने। ये देखिए भून रहा है, टमाटर को देख रहे हैं कितना अच्छा ये भूनना शुरू हो गया। ये है काली मिर्च, लौंग और जीरा, ये मैं डालने लगी हूँ इसके इसके मसाले में। काली मिर्च है, लौंग है और जीरा है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी क्योंकि थोड़ा सा ये नीचे अब लगना शुरू हो गया है, मतलब ये अच्छे से भुन गए, तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी ऐड करूँगी। ये अच्छे से भुन रहे हैं, अब इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये
पाउडर डाल के इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स किया मैंने। अब मिक्स करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ चने। ये ऐड कर दिए मैंने इसके अंदर चने। ये ऑलरेडी बॉइल्ड है चने, इसको आप इसको मसाले के साथ अच्छा सा आपने मिक्स कर देना है। अब इसके अंदर एक चीज मैं और ऐड करूंगी और वो है स्पेशल चीज, वो है चिकन पाउडर। चिकन पाउडर डालने से जो टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा आता है। जैसा आप बाजार में भी अगर आप जाते हैं खाने के लिए तो उनकी रेसिपी में भी चिकन पाउडर ऐड होता है, इससे उसका टेस्ट जो होता है बहुत अच्छा निकल के आता है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया। अब मैं इसके अंदर ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून चिकन पाउडर। टेबलस्पून मैंने ले लिया चिकन पाउडर, 1 टेबलस्पून इसके अंदर मैंने डाल दिया। चिकन पाउडर डाल के इसको किया अच्छे से मिक्स। ये हो गया अच्छे से मिक्स, सही है। बहुत ही अच्छी इसकी खुशबू आनी शुरू हो गई है। इसको मैं अच्छे से बस मिक्स किया मैंने, इसके अंदर ऐड करने लगी हूँ थोड़ी सी है मुझे। और अब साथ ही मैं इसमें राइस ऐड करने लगी। ओके, ये मैंने ऐड कर दिया इसके अंदर राइस। राइस डाले और साथ ही मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ और नमक ऐड कर रही हूँ। पानी ऐड कर दिए, पानी ऐड करके थोड़ा सा मिक्स किया उसको मैंने। और मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करने लगी हूँ। इसके अंदर सॉल्ट, नमक, ये डाल के इसको खूब अच्छे से मिक्स करके ये देखिए अच्छे से मिक्स हो गया। आज टेस्ट करके इसकी, फिर जब ये इसका पानी सारा खुश्क हो जाएगा तो मैं इसको बस दम पे रखूंगी चावल। खुश्क हो जाए तो मैं इसको हल्के आंच पे दम पे रख दूंगी, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि इसका क्या रिजल्ट आया है। ओके, ये मैंने ये चावल का पानी अच्छे से खुश्क हो गया। अब मैंने इसको नीचे तवा रख के मैंने इसको दम पे रख दिया है, जब तक ये दम आएगा इसमें। जैसे ही ये कम्प्लीटली डन हो जाएंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ उसका लुक कैसा आएगा। ओके, स्टे विथ मी। रखा हुआ है तवा अच्छे से गर्म हो गया और अब इसकी आंच में हल्की कर रही हूँ, थोड़ी आंच हल्की करके
अब इसको हमने कवर कर। ये जो ये आ गया इसका फाइनल लुक, चना पुलाव बहुत आराम से, बहुत इजीली और बहुत क्विक इसकी रेसिपी है, बहुत आराम से तैयार हुआ है। और टू मच टेस्टी चने का पुलाव का फाइनल लुक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियोस आप तक एट द टाइम पहुंच जाए। स्टे विद मी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।